जय करम की केपी सिंह भाई जिंदाबाद, करम की जय केपी सिंह भाई जिंदाबाद। हो करम की सर, जय हो करम की, जय हो करम मूर्ख। और फिर कहते हैं ना, हमें पता था कि कर लेगा योगी केपी सिंह सर। जय हो करम की, जय हो करम की, करम की है जय। खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। एज ए योगा ट्रेनर मैं आपको इतना सा सजेशन करना चाहूंगा, खाली पेट चाय कभी नहीं पिए। दोस्तों जय हो करम की, मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर। जैसा आप सबको मालूम है, अपने सफर पे रहता हूँ। और सफर की अगर बात करें तो आज मैं कहीं भी सफर पे नहीं गया और मैं आज सीधा आ गया संजय जी की दुकान पर। और संजय जी की दुकान में आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए संजय जी की दुकान है, ये संजय जी की दुकान है। यहाँ पर आ गए और आज मेरे को ऐसा लग रहा था यार आज मेरा ब्लॉग नहीं बनेगा, लेकिन मैंने कोशिश करी कि नहीं मेरा ब्लॉग बना है। तो आप वो देख पा रहे हैं, ये रणथंभौर रोड है। और रणथंभौर रोड की अगर बात करें तो रणथंभौर रोड शाम के टाइम एक नंबर हो जाता है, यानी कि यहाँ का दृश्य एक नंबर लगता है। और ये ऐसा लगता है यार यहाँ पर ही बैठे कुछ देर के लिए, तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ बहुत देर से। तो मुझे लगा यार ब्लॉग शूट करना चाहिए, तो ब्लॉग शूट कर लिया है। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे किसी और चीज को लेकर, जब तक आप मेरे साथ में ब्लॉग में बने रहे। दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं संजय जी के पास आऊँ, तो संजय जी के पास आ गए। तो भाई संजय जी जय हो करम की। जय हो करम की सर, जय हो करम की, जय हो। केपी जी आज परेशान हो रहे थे कि ब्लॉग नहीं बन रहा, तो मैंने एक ही बात बोली कि जो कर सकते हो वो करो, नहीं कर सकते हो उसको छोड़ दो, लेकिन अपने आप को खुश रखो। तो खुश होते ही उन्होंने ब्लॉग बना दिया और काम पूरा हो गया। तो हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन एक चीज जो कहते हैं कि जब तक आदमी सफल नहीं होता, जब तक तो लोग उसको क्या कहते हैं, मूर्ख। और फिर कहते हैं ना, हमें पता था कि कर लेगा ये मूर्ख। और फिर कहते हैं ना, हमें पता था कि कर लेगा ये। जय हो करम की, जय हो करम की। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज हो रहा है कि लोग बाग कहते हैं जब वो मेहनत करता आदमी तो साथ नहीं देते उसका, और बाद में क्या नाम उसके साथ में लग जाते हैं। इसलिए कभी भी आशा मत करो, अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो। पूरा सही हो गया केपी जी के साथ। जय हो करम की, करम की है जय। करम के साथ में आदमी को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी चाहिए होता है। पूरा सपोर्ट है, हमने चाय पिलाई है, इनको एनर्जेटिक किया है, बिस्किट और खिलाएंगे भी। अच्छा कौन सा रहा, कोकोनट? ब्रांड का नाम नहीं बोलेंगे हम। हाँ, ब्रांड का हम प्रमोशन नहीं कर रहे किसी का। प्रमोशन नहीं करेंगे हम किसी का भी, लेकिन हम काम जरूर करेंगे, काम जरूर करेंगे। और खाली पेट चाय कभी नहीं पियेंगे। चाय के साथ में बिस्किट, कुकीज, पराठा, जो भी घर में साथ हो, खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। एज ए योगा ट्रेनर मैं आपको इतना सा सजेशन करना चाहूंगा, खाली पेट चाय कभी नहीं पिए। तो फिर हम लोग चाय के साथ में बिस्किट खा लेते हैं। हाँ, अब बिस्किट और चाय दोनों मिलेगी मुझे। आइए, आपका स्वागत है चाय के लिए, चलते हैं। जय हो करम की, जय हो। दोस्तों जैसा अभी आप लोगों ने सुना कि पंकज जी कह रहे थे यार चाय पिलाएंगे और चाय के बाद में बिस्किट भी खिलाएंगे, यानी कि चाय के साथ ही बिस्किट खिलाएंगे। लेकिन मैं भी गया तो उन्होंने कहा यार पहले मेरा काम करूंगा, उसके बाद में चाय पिलाऊंगा और बिस्किट खिलाऊंगा। तो भाई साहब कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं। तो देख लीजिए आगे, जय हो करम की, जय हो करम की। और बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल ब्लॉग चल रहा है ये, बिल्कुल। तो देखो ये भाई चाहत कैसे होती है, देखो तो इनका भी परिचय ले लेते हैं। जी भाई, मेरा नाम रोहित कुरैशी। देखिए भाईजान को मैं जानता हूँ ऐसे। मेरा नाम आदिल कुरैशी। देखिए जानते हैं, लेकिन बनाता है केपी सिंह हमारे भाई, बहुत शानदार। सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो भाई के लिए, सपोर्ट करो। यही मोहब्बत होनी चाहिए, पैसा तो हर कोई कमा लेते हैं, लेकिन मोहब्बत काम आएगी तो ये मोहब्बत बनाए रखें। तो बोलो जय हो करम की, जय हो करम की, केपी सिंह भाई जिंदाबाद। तो भाई ये आगे ये कह रहे हैं ब्लॉगर केपी सिंह, देख लो क्या नाम है, अरहान। हाँ ये देखिए, जब कहते हैं ना कि कोई ना कोई मिल जाता है, तो भाई ने कह दिया आते से जय हो करम की केपी सिंह। तो वास्तव में और अच्छा लगता है जब इस तरह से लौंडे को दिखाओ, इस लौंडे को दिखाते हैं भाई। क्या नाम है? गर्वी सिंह राजपूत। क्या बात है, कहाँ से हो? माधोपुर से। माधोपुर से। हाँ। बोलो जय हो करम की, जय हो करम की। और करम हमेशा प्रधान रहता है, आप भी आज से मेरे मित्रों। हाँ, तो एक बार फिर बोल दो जय हो करम की, जय हो करम की। और आप मुझे काका घुमाओगे, आप बोलोगे जिधर, अभी तो हम पूल जा रहे हैं तो पूल चल चलो। अच्छा पूल जा रहे हो क्या? हाँ। कौन से वाले? अभी पता नहीं है कौन से पूल जा रहे हो, डिसाइड वो करेंगे, वो करेंगे। तो देखो भाई ने मेरे को पूल जाने के लिए कहा और मुझे अच्छा लगा, बर्थडे आज उसका, बर्थडे है क्या? तो भाई को ब्लॉग के माध्यम से हैप्पी बर्थडे। अभी लाइफ बहुत ही बढ़िया लगा। देखिए ये मोहब्बत क्या होती है, ये मोहब्बत होती है, हर कोई मिल जाए और कहता है केपी सिंह ब्लॉगर है क्या, मैंने कहा बिल्कुल ब्लॉगर हूँ केपी सिंह, तो अच्छा लगता है। और ये देख लिए सब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ देखिए सब कह रहे हैं क्या। और हम संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी आपकी चाय और बिस्किट का क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि आपका ब्लॉग एंड होगा और हम आ जाएंगे। ये देखिए तो संजय भाई, ये देखिए संजय जी, दोनों देखिए चाय भी तैयार है और बिस्किट भी तैयार है, चाय वाला भी तैयार है, चाय वाला भी तैयार है। और अच्छा लगा संजय भाई को। और संजय जी से एक ही चीज कहूंगा कि संजय जी यार ऐसे ही प्यार करते रहो, कहीं ना कहीं एक दिन
उस मोड़ पे पहुंचेंगे जहां हम पहचानेंगे नहीं आपस में। तो देख लीजिए, मैंने कुछ बोला और इन्होंने कुछ अलग बोला, क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से रिलेशन। दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार संजय जी ने चाय के लिए और बिस्किट के लिए बोला है, तो भाई चाय के लिए मैं करीबन 2-3 बार तो बोल चुका हूँ कि यार चाय चाय चाय, लेकिन उनकी तरफ से चाय क्या होगी, मतलब अमृत की वो होगी यार, क्या क्या हार गया। और बिस्किट भी नहीं आ रहा और मैं परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी जगह नहीं जाना। रामसी भाई कितनी बार कह दी तेरे सामने? 4 बार कह दी भाई। 4 बार कह दी, जब भी चाय नहीं आई, जब भी नहीं आई, 4 बार अभी तक चाय नहीं आई। और ये देखो संजय जी भी आ गए और संजय जी क्या क्या मतलब खाली हाथ आ गए। हम बेस्ट चाय के लिए जाने जाते हैं, न कि उबाल के चाय पिला दी जाती है। अब ये क्या है, ब्लॉगर है और मैं शेफ, तो फर्क पड़ता है कि चाय अच्छी बनाने वाले जो भी चाय लवर है या चाय बनाने वाले हैं, वो एक बार बताएं कि अच्छी चाय बनने में कितना टाइम लगता है। लेकिन मेरे को चाय की तो आधे घंटे हो गए। नहीं कहा है आपने, आधे घंटा नहीं हुआ है। आप ही ने तो कहा था मैं थोड़ी का चाय भी पिलाएंगे और बिस्किट भी पिलाएंगे। नहीं, वो आपने चश्मा हटा के नहीं देखा इसलिए। चश्मा हटा के मतलब आदमी है रे, कुछ भी मतलब आपने खुद की बात रहनी चाहिए और कुछ नहीं है। बस ये आ गई है, देखिए चाय भी आ गई। मतलब पहले बिस्किट यहाँ दो ना इधर। हाँ, चाय और बिस्किट ये दोनों आ चुके हैं। ये देखो बिल्कुल ताजा चाय बन गई है। ये चाय और बिस्किट आ गए, ये चाय और बिस्किट। और राम सिंह को आए हुए 5 मिनट हुए, झूठ बोल रहा है ये, है ना? क्या आधा घंटा हो गया बोले हुए, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ ये देखो झूठ बोला, इसलिए चाय गिर गई इसकी। अरे तो ये बिस्किट भी आपने यार ये स्पेशल वाले बिस्किट है, ये तो स्पेशल है। लंदन से मंगाए गए। लंदन से? लंदन से बिस्किट मंगाए, चाय भी आ गए बिस्किट भी आ गए। दोस्तों अभी मैं संजय जी की दुकान पे बैठा होता तो भाई हमारे सद्दाम भाई आए, और सद्दाम भाई को बोलेंगे जय हो करम की। जय हो करम की। बहुत ही बढ़िया है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, और जो आपके वीडियोस वगैरह आते रहते हैं इसमें कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता होती है, सच्चाई होती है, अच्छे वीडियो बनाते हो, लोगों के जो मुद्दे होते हैं लोकल मुद्दे उनको लेके आते हो और प्रशासन के सामने रखते हो, तो काफी अच्छी चीजें लगती है। आपकी सफाई से संबंधित है और कई राजनीतिक मुद्दे होते हैं वो भी आप लेके आते हो, और हमेशा एक्टिव रहते हैं, और इनको जब भी हम किसी भी न्यूज़ के लिए बुलाते हैं या कोई भी एक सोशल वर्क का काम हो या वैसे खबर का काम हो, तो ये केपी भाई हमारे लिए पहुंच जाते हैं बराबर से, और हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं केपी भाई। और आपकी जो ये चीज़ है जय हो करम की, मुझे बहुत बढ़िया लगती है और आप भी मुझे बहुत पसंद। देखो सद्दाम भाई, मैं तो एक बात चाहता हूँ, जीना है ना तो लोगों के लिए जी। बिल्कुल, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए सब जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं औरों के लिए भी जीना चाहिए, जिससे एक संदेश जाए, भाईचारे का संदेश जाए, मानवता का संदेश जाए। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग बाग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और बाकी दूसरे के लगे आग, ये है कि नहीं? कहीं ना कहीं आप जो इस बात को कह रहे हो इसमें सच्चाई भी है, और दोनों तरीके के तबके के लोग रहते हैं जिसमें अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग। केपी भाई आप तो इस दिशा में मीडिया की दिशा में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हो, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। और आप सच को सच के हिसाब से दिखाते हो, कहीं आपके मन में मेल गंदगी किस तरीके की कोई चीज नहीं होती है, तो ये मुझे आपकी काफी चीज अच्छी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद। और सद्दाम भाई मिले, मेरे को अच्छा लगा सद्दाम भाई से। और मैं ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर केपी की कोई बात आपको गलत लगती है तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट में, और अगर अच्छी लगती है तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र तो है सब लोग और स्वतंत्रता के अधिकार सबके पास में, तो सही और गलत जरूर लिखना चाहिए और बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलेंगे जय हो करम की। जय हो करम। क्या बात है, मजा आ गया। दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यही समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए दोस्तों जय हो करम की। दोस्तों ये आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए तो घंटा जरूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।